गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम उन्नीस श्रीवास्तव। आपका आईडी सेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे सभी बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है, हर बच्चे को एकदम बेहतरीन बनाना वीडियो के माध्यम से। जो बच्चे घर पर नहीं पढ़ पाते हैं, या समय नहीं मिलता है, या पैसा नहीं होता है तो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, या स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाते सही से, उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से उनको ये पोयम को पहुंचाया जा रहा है कि हर बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे इस, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। क्योंकि आज हम पढ़ाएंगे आपको डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है कि बर्फ के कण। कुछ ऐसी स्थितियां हैं इसमें कवि जो है, इसमें दो लोगों का चित्र किया गया, एक कौवे का और धतूरे का पेड़ का। जो धतूरे का जो पेड़ होता है वो भी क्या नेगेटिव पॉइंट होता है, और जो कौवा भी होता है वो भी नेगेटिव पॉइंट होता है। कैसे नेगेटिव पॉइंट? कौवा एक अभिशाप के रूप में माना गया है, जब भी किसी को अगर मार देता है या चोट से तो लोग उसे अभिशाप समझते हैं, अतः उसे क्या नेगेटिव पॉइंट भी क्या है। नेगेटिव पॉइंट आपका जो है वो है हेमलॉक। हेमलॉक टी माना धतूरे का पेड़, वो भी नेगेटिव है। कहा था कनक करते सौ गुनी मादकता अधिकार, जो खाए बो रहा है और जो पाए बो रहा है। तो कनक माने सोना भी होता है और कनम माने क्या होता है, धतूरा भी होता है, दोनों होता है। यहाँ कभी जो है कहीं से आया और वो बैठ गया, धतूरे का वृक्ष है वही बैठ गया, उसी धतूरे वृक्ष पर कौवा बैठा था। तो कौवे ने क्या किया, जब कवि इतना उदास है कहने खद नहीं, तो बात सही है कि उदासी हर इंसान को होती है। इस दुनिया में नो वन हैप्पी इन द होल वर्ल्ड, इस पूरे संसार में कोई इंसान कभी सुखी नहीं है, किसी न किसी कारण वो 24 घंटे में वो दुखी होता है। वैसे कभी क्या है, कुछ दुखी है। आते देखते हैं इस पोएम के माध्यम से क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है, या तो सेंट्रल आइडियाज का आ सकता है आपका, या तो 4 लाइन पोएम यूपी बोर्ड में क्लास 10 में 4 लाइन पोएम होता है, या तो सेंट्रल आइड होता है, तो दोनों से एक आपको लिखना पड़ता है। ये याद रखिएगा, जो पोएम कविता में दिया गया हो उसे नहीं लिखते हैं, उसको छोड़कर कोई और पोएम लिखेंगे, लेकिन इसे नहीं लिखेंगे। आते इस कविता के माध्यम से आपको एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग बेहतरीन तरीके समझाते हैं। देखिए लिखा है क्लास 10 यूपी बोर्ड, चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर 1 है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट माने कण, धूल होता है, धूल तो ही मानेंगे यहाँ पे, कण मानेंगे आप, माने का स्नो माने क्या बर्फ, बर्फ का कण। कंपोज्ड बाय, रचा किसने है, इसे लिखा किसने है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। पहला पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, दूसरा पोएम भी फायर एंड आइस, ये दोनों पोएम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ही लिखे गए हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम इन ऑल पोएम्स, इन ऑल द पोएम्स। तो दो पोएम आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लिखा गया है, और कहीं ना कहीं दोनों में से एक कन्फर्म आएगा, या तो डस्ट ऑफ स्नो देते, या तो क्या देते आपका फायर एंड आइस देते। आते हैं समझते हैं इसको, लिखा क्या है, कभी बहुत अच्छी मन दशा होता है, एक इंसान का मूड कैसे परिवर्तित होता है जब वो दुखी रहता है। तो कह रहा है कि 8 लाइन की पोयम है, 4 लाइन आप लोग सब लोग याद कर लीजिएगा, हर चैप्टर का 4 चैप्टर आप उठाइए, 1 to 4 या 1 to 5 5 चैप्टर, तो 1 से लेकर 3 तक या 5 तक पोयम याद कर लीजिए, 4 5 20 20 लाइन पोयम याद कर लीजिए, या 1 to 3 का याद कर लीजिए, 1 to 3 पोयम याद कर लेंगे तो आपको आसानी से ये पोयम को लिख सकते हैं और इस नंबर को अर्न कर सकते हैं। आइए देखते हैं, द वे एक क्रो, वे माने तरीका होता है, ए माने एक होता है, क्रो माने कौवा होता है, सुख माने हिलाया, डाउन माने नीचे, हाँ डाउन ऑन मी मेरे ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं द वे, जिस तरीके से, द वे माने क्या हो गया, जिस तरीके से एक क्रो, ये क्या हो गया, जिस तरीके से, वे माने क्या होता है, वे माने तरीका होता है, क्या होता है तरीका, वे माने क्या हो गया तरीका, जिस तरीके से एक क्रो एक कौवे ने, जिस तरीके से एक क्रो एक कवे ने सुख डाउन ऑन मी, सुख माने हिलाया, सुख माने क्या होता है हिलाया, हिलाना होता है, हाँ ऑन मी मेरे ऊपर, तो मेरे ऊपर क्या हिलाया था, मतलब कवि कहता है कि जिस तरीके से कवे ने सुख डाउन ऑन मी धतूरी के पत्तियों को हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट माने कण, स्नो माने बर्फ की, जो बर्फ के कण थे फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हाँ वो कहाँ से गिरे, वो धतूरे के वृक्ष से गिरते हैं। उल्टा पढ़ते हैं, ये लाइन ही उल्टा दिया है, इसमें क्या है कि जिस तरीके से फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, पहला लाइन इसे पढ़ेंगे या दूसरा लाइन इसे पढ़ेंगे, दूसरा लाइन इसे पढ़ेंगे, ठीक है। द वे ए क्रो, जिस तरीके से फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से, ठीक है, सुक डाउन ऑन मी, वो क्या, जब कौवा उस धतूरे
कि पीर को बैठता है तो कभी क्या वह नीचे ही क्या है, खड़ा है या बैठा हुआ है? इसमें खड़ा हुआ दिखाया गया है, मेरे हिसाब से बैठा हुआ है। खड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा पेड़ है और कभी बड़ा होता है, ठीक है, कभी बड़ा है दूसरों क्या छोटा पेड़ है, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कि कह सकते हैं कि 4 फुट 3 फुट का होगा मैक्सिमम। तो कभी क्या बैठा हुआ है, तो क्या धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, बहुत ही दुखी है, ही वॉज वेरी सैड ड्यू टू द रीजन, इसको कारण था तो बहुत दुखी है। तो कह रहा है कि जिस तरीके से फ्रॉम से किससे धतूरे के पेड़ से, हेमलॉक ट्री माने क्या होता है, जिस तरीके से धतूरे के पेड़ से कौवे ने क्या किया, उस पत्तियों को हिलाया डस्ट ऑफ स्नो, तो बर्फ के कण क्या किए, गिरे। जब बर्फ के कण गिरते हैं हाँ तो क्या होता है, इसे कुछ अजीब सा लगता है। क्या कर लिखा है कि द वे ए क्रो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से एक कौवे ने फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है, एक धतूरे के पेड़ से, ठीक है, उस धतूरे के पत्तियों को हिलाता है और डस्ट ऑफ स्नो, और जो डस्ट ऑफ स्नो जो कण होते हैं बर्फ के, जो बर्फ के कण होते हैं वो कवि के बॉडी पर पड़ते हैं। जब पड़ता है तो होता क्या है, आते हैं देखते दूसरे लाइन में, हैज गिवन माई हर्ट, उसने क्या मेरे हृदय को प्रदान कर दिया, क्या किया प्रदान किया, एंड चेंज ऑफ मूड, मूड माने होता मन दशा या स्थिति, ठीक है, चेंज माने बदल दिया, आप माने का मूड माने का मन दशा को, उसकी मन दशा को वो क्या करता है, हाँ कवि जब पत्तियों को हिला धतूरे के पेड़ बैठा, और बैठने के बाद क्या हुआ कि जब बैठा तो कुछ हिला, जब हिला तो डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ के जो कण थे वो क्या होते हैं, ठीक है, हिला सुक डाउन ऑन मी, मी मतलब कौन, कवि के लिए है, कवि के लिए बताया गया, मी का प्रयोग किसके लिए हुआ है, कवि के लिए हुआ है। तो जो डाउन माने क्या नीचे की ओर आए, क्या है डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ के कण थे कवि के बॉडी पर गिरते हैं, जिससे कवि को कुछ अनुभूत होती है, कुछ होता है, क्या होता है, हैज गिवन माई हर्ट, उसने मेरे हृदय को प्रदान किया, और प्रदान करने के बाद क्या किया, मेरे हृदय को जो मैं दुखी था मेरे हृदय को प्रदान किया, एंड चेंज बदल दिया आप मूड माने क्या मन दशा को, मेरी उस मन दशा को बदल दिया, मेरी उस मनोदशा को बदल दिया जो मैं क्या बीते हुए समय में दुखी था, अर्थात इसका ध्यान भटक गया और थोड़ा अजीब सा प्रसन्न हुआ, ताजगी महसूस हुई। बर्फ के जो कण होते हैं वो बहुत ही क्या थे, बहुत ही कूलेस्ट थे, ठंडे थे, जब गिरा तो उसके मन को क्या तसल्ली मिल गई। तो होता क्या है कि हैज गिवन माय हर्ट, उसने मेरे हृदय को चेंज बदल दिया ऑफ माय मूड, मेरे हृदय की मन दशा बदल दिया, जो दुखी था उसको बदल देता है, और क्या कर रहा है कि एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो कुछ मैंने बचा के रखा था, सेव्ड माने क्या होता है, बचा के रखा था, सम पार्ट कुछ हिस्सों को जो मैं बचा के रखा था आप दे अपने दिन की, कभी कर रहा है कि जो हिस्सा मैंने क्या अपने दिन को बचा के रखा था, आई हैड ड्यूड, अर्थात मैं जो हिस्सा मैं दुखी था, जो दुखी था लिखा क्या है कि सेव्ड सम पार्ट, मैंने कुछ हिस्सों को बचा रखा था आप डे, आई हैड ड्यूड, मैं पहले क्या था, मैं पहले दुखी था, वो कुछ हिस्सों को बचा रखा था, उसको क्या कर दिया, मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया, अर्थात मेरे जैसा मेरी मन दशा क्या हो गई, बहुत ही अच्छी तरह से बदल गई, अर्थात कह सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट से कवि की जो मस्तिष्क है वह पॉजिटिव पॉइंट में प्रवेश कर गया। फिर देखते हैं, द वे ए क्रो सुक डाउन मी, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया डस्ट ऑफ स्नो, और पत्ती को हिलने से जो धूल के कण होते हैं फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है, धतूरे के वृक्ष से, वो क्या होते हैं कवि के ऊपर गिरते हैं, और जब गिरता है तो हैज गिवन माई हर्ट, उसने क्या करा, इस चेंज ऑफ माई मूड, उसने मेरे हृदय को प्रदान किया और बदल दिया आप मूड माने क्या मन दशा को, जो मैं दुखी था उस चीजों को क्या वो बदल दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो कुछ मैंने बचा कर रखा था कुछ हिस्सों को आप डिमान दिन को, आई हैड ड्यूड, और उनमें क्या मैं दुखी रहा, उन चीजों को क्या किया कवि ने अच्छे तरह से बदल दिया। उम्मीद करते हैं ये सभी को वीडियो अच्छे तरह समझ में आ गया होगा, कि जो समय नहीं है क्योंकि आपका पहला पोएम था, इस स्टेंजा पूछ सकता है आपका, वाई वाज द पोएट सैड, व्हाट हैपेंड विथ यू हिम, क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा शेयर करिएगा, और हल्का मजाक रख दीजिएगा। जय हिंद।